मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को देवरिया जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल में बने कोविड अस्पताल, कलेक्ट्रेट में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर मझगावां पीएससी के निरीक्षण के साथ ही शहर से सटे पिपरपाती गांव में निगरानी समिति के साथ बैठक किया। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों से कोरोना संक्रमण के जिले में वर्तमान हालात, मरीजों को दी जा रही सुविधाएं, टीकाकरण की स्थिति आदि के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लगभग 11 बजे पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां से सीधे कोविड अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से बात की तथा सुविधाओं का हाल जाना। उन्होंने संकट की इस घड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले एवं कार्य की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्राम कतरारी में निगरानी समिति के साथ बैठक में गाँव की सुविधाओं एवं विकास कार्यों के बारे में जिम्मेदारों से बात की। मझगावां पीएससी पहुंचे सीएम ने वहां के स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे विकास भवन पहुंचे और अफसरों के साथ बैठक किया। भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने उन्हें जनता के बीच जाकर कार्य करने को कहा और सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को बताने के साथ ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने का संकल्प भी दिलाया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, सलीमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, सदर विधायक डॉक्टर एसपीएम त्रिपाठी, नीरज शाही, प्रमोद सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंतर्यामी सिंह, नगर अध्यक्ष संजय पांडे, मुन्ना राय, त्रिपुरायक विश्वकर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेडिसिन किट के बारे में भी जानकारी देते हैं। ये कब से कब तक रहता है? और आज में 10 से सुबह 6 बजे की थी। सर, ये डेटा है कब से कब तक है? सर, जितना आता है उतना शिक्षण से बातें और सभी से पर यूज़ कराऊं करना। सर, जैसे कि सर लॉस लॉस का जनरल से जहां भी कोई फोन है तो लॉस लॉस जो केसेस सर गलत डायग्नोस दे रहे हैं सर, उनको हम लोग सर नाम से भी लगाते हैं सर।
और सर ये सर ये आपका प्रबंधन बना है इसमें सर जो हमारे से करते हैं जो ब्लॉक से पीछे से रजिस्ट्रेशन हुआ है और सभी का हमारा है ये भी लेकिन ब्लॉक पर है हमारा भी हिम्मत कौन है सर कौन कौन सर सात सौ छब्बीस तो जो है चार साल की मेहनत थी सर मतलब पहले भी थी कि पहले भी थी चार साल की मेहनत थी मेहनत कर रहे थे क्या मेहनत कर रहे थे भगवान से भी और सबके घर घर पूरी टीम काम कर रही है वैसे बोलने दीजिए कितने लोग कितने लोगों को आप लोगों ने दवा पाती दवा 185 लोगों को कितने में कोरोना की पुष्टि हुई थी अच्छा उनका टेस्ट हो क्या क्या करते हैं आप लोग क्या काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं अब आप जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं निगरानी समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधानी होता है ठीक है अब आपका दायित्व बनता है इन सबके साथ कार्यों को लगाना इसके अलावा हमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस को भी तैयार के खिलाफ भी अपनी लड़ाई प्रारंभ करनी है जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति हो सर दवा की भी उपलब्ध करवा दें इसके अलावा गांव में हर व्यक्ति को इस बात के लिए कहना कि खुले में शौच नहीं करना जो शौचालय बने होंगे उसी का उपयोग करके उसको भी साफ सफाई करके रखेंगे ये कार्यक्रम आप कर देंगे तो गांव को सुरक्षित कर देंगे और उसका यदि आप लोगों को मिलेगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग बहुत बहुत बधाई आप लोग सर वैक्सीनेशन में सर हम लोग का प्रथम खुराक का वैक्सीनेशन लगभग 92% है सर द्वितीय खुराक का 28% करने के लिए हम लोगों ने एक तो प्लान बनाया है कि सभी पेरेंट्स को सर हम लोग वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देंगे सर और दूसरा उनके जो अनुग्रह दृष्टान से ही लोगों को परामर्श मिल जाता है सर सर बिहारी मेडिकल कॉलेज से जहाँ संजय कर रहा है सर वहाँ से बेहतर राजकिशोर सिंह उनकी टीम आई थी सर और हमारे एनसीएस में जा करके हम लोग माइक्रो मेट्रो कंटेनमेंट जोन है जिसमें 670 पुलिसकर्मी लगे हैं सर और इधर हम लोगों की शक्ति की वजह से सर ये संख्या में काफी कमी आई है सर 1 मई से लेकर अब तक सर हम लोगों ने करीब 375,000 सर हम लोगों ने वसूले हैं सर हमारे पुलिसकर्मियों में सर करीब 2700 पुलिसकर्मी मित्रों कोरोना महामारी के खिलाफ देश के अंदर जो अभियान चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं इस लड़ाई में देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और जितनी बड़ी आबादी है उतनी ज्यादा हमारे सामने चुनौती भी थी
विशेषज्ञों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं भी व्यक्त की थी, लेकिन टीम वर्क और जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, प्रारंभ में ही कोरोना से लड़ने के लिए कि हमें ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट के इस फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा, ट्रिपल टी के इस फॉर्मूले के आधार पर कोरोना के खिलाफ जो व्यापक अभियान चला, आज उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है और उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, और प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहां स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, 15 मई तक 30,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1,00,000 केस प्रतिदिन आएंगे, आज 3,300 मात्र केस आए पूरे प्रदेश के अंदर। एक्टिव केस की संख्या जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थी, आज वह घटकर के मात्र 62,000 रह गई है। यानी एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन स्टेट ने चलाया, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में निगरानी समितियों को भेज करके उनके माध्यम से मेडिसिन किट वितरित होना, अगले 24 घंटे के अंदर एंटीजन टेस्ट के माध्यम से हर एक लक्षण युक्त व्यक्ति का टेस्ट करना, यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी 3 के आसपास रह गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर रिकवरी 95% से अधिक पहुंच गई है और लगातार इसमें सुधार है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड में ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिली थी। पहली बार, हम आभारी हैं भारत सरकार के कि जिसमें पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए और हर व्यक्ति तक, हर हॉस्पिटल तक हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, इसके लिए शासन और प्रशासन की टीम ने, जनप्रतिनिधियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मेहनत के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हर जनपद को आने वाले समय में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के एक बड़े अभियान के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें हर जनपद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पहले ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश में 20,000 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब तक हम उपलब्ध कराए हैं और लगभग इतने ही नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट बने, मेडिकल कॉलेजेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंक वहां पर स्थापित हों, क्रायोजेनिक टैंक होते हैं जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर में ऑक्सीजन को वहां पर रखना पड़ता है, उनकी स्थापना की कार्रवाई चल रही है। तो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CHCs में, वहां पर हम लोगों के द्वारा एटमोस्फियर से ही ऑक्सीजन बनाने के जो संयंत्र हैं उनकी स्थापना के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समय हम लोग 300 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल में लगा रहे हैं और देवरिया जनपद में भी यहाँ की टीम ने अच्छा काम किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने मेहनत किया है और यहाँ पर भी 4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ की पॉजिटिविटी रेट 3 के आसपास है, जो एक बार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और 3 के आसपास आ चुकी है और उसमें और भी गिरावट निरंतर देखी जा रही है। इसके साथ ही रिकवरी रेट अच्छी दिशा में यहां की बढ़ रही है, 93% से अधिक यहां की रिकवरी रेट है और इसमें और भी बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं इसके बारे में अभी मैंने यहां की समीक्षा बैठक ली है। समीक्षा के पीछे मेरा एक और उद्देश्य था कि कोरोना की थर्ड वेव का
सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अभी से हमारी तैयारी चलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ बरसात का समय आ रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जनपद मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। इसके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर अपनी रणनीति बनाई है। हमने 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड के पीको और कुछ सीएससी में भी मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई की थी, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े को हम 95% तक रोकने में सफल हो गए थे। हम लोगों को वही रीति अपनानी है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के जो सेंटर थे, सब सेंटर थे, आज तो हर जनपद में सैकड़ों की संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और हमें घर घर जाकर के, जैसे हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ अभियान चला करके घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का काम किया था, ऐसे ही हम लोग हर जनपद में और खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी संवेदनशील जनपद हैं उनमें भी और प्रदेश के हर जनपद में जहां पर थर्ड वेव की आशंका से लोगों में थोड़ा भय, हम लोग अभी से बच्चों के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं और मेडिसिन उपलब्ध कराने के बाद फिर किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को पहले ही चरण में उसको दवा उपलब्ध करवाने के साथ उनकी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग थर्ड वेव को भी रोकेंगे और इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम लोगों ने पिछले वर्ष तक ला करके जिस स्थिति में किया उससे भी हम नीचे उसको लाने की दिशा में प्रयास करेंगे। यहां पर एक पीको का काम, पीको पहले से यहां पे बना हुआ है, 15 बेडेड है, 20 बेडेड एक नया पीको के निर्माण के लिए हमने अभी आदेश किया है और एक नई सीएससी लार में उसको भी एक पीडियाट्रिक आईसीयू के रूप में भी वहां एक मिनी पीको के निर्माण के लिए मैंने अभी अपनी सहमति दी है कि यह कार्य यहां पर प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ जाए। हर हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गतिविधियों का केंद्र बने, वहां पे एंटीजन टेस्ट हो, वहां वैक्सीनेशन की कार्रवाई हो, वहां पे सामान्य जांच की सुविधा लोगों को मिले, इस कार्रवाई के साथ उसको जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है और सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की है वह कम से कम एक सीएससी या एक पीएससी को गोद लेकर के वहां की एक्टिविटीज के साथ जुड़े जिससे हर व्यक्ति को हम बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकें और इस दिशा में यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। प्रदेश ने अब तक टेस्ट की कार्रवाई में भी एक लंबी छलांग लगाई, 1,81,00,000 लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं जिसमें 13,65,000 से अधिक युवा हैं। 1 जून से हर जनपद में हम वैक्सीन देने की कार्रवाई 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को करने जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकें। हर व्यक्ति टेस्ट कराने से कोई भागे ना, क्योंकि मैंने अभी गांव का दौरा भी किया था और गांव में मैंने देखा है लोगों में कुछ संकोच है टेस्ट कराने से या वैक्सीन लेने से। मेरी आप सबसे अपील है हम लोगों को प्रेरित करें, मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है लोगों को बताने के लिए। जिन लोगों ने उनके गांव के आसपास जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनकी फोटो छाप करके आप उनका छोटा सा इंटरव्यू कि मैंने भी वैक्सीन ली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने भी वैक्सीन ली है और मैं कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हूं, यानी एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और इसीलिए वैक्सीन निःशुल्क राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी 18 से 44 को राज्य सरकार की मदद से और 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार की मदद से निःशुल्क वैक्सीन मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो अभियान हमारा 1 जून से 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हम लोगों ने कुछ और चीजें जोड़ने की व्यवस्था की है। एक, हर जनपद में कुछ ऐसे केंद्र बनाएंगे जो अभिभावक स्पेशल हो, 12 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को समय से वैक्सीन देना जिससे ये कामकाजी वर्ग है
यह वर्ग सुरक्षित रहेगा तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो थर्ड वेव की आशंका बच्चों के प्रति व्यक्त की जा रही है, हम उन्हें वैक्सीन देकर के पहले ही सुरक्षित करेंगे। दूसरा, आने वाले समय में 12 से 18 के बीच की वैक्सीन भी आने वाली है, हम समय से उन बच्चों को वैक्सीन देकर के उनको भी सुरक्षित करेंगे। तीसरा, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए और जुडिशियल, दूसरा मीडिया के लिए भी एक अलग अलग बूथ बनाने के लिए, वैक्सीन के लिए बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग कोरोना कर्फ्यू में हैं, हमने लॉकडाउन नहीं लगाया है, कोरोना कर्फ्यू में हमारे उद्योग चल रहे हैं, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, राशन की दुकानें चल रही हैं, वे सामान्य गतिविधियां जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित हो सकती हैं, सब्जी मंडी का है, फल मंडी का है, सभी हमारी संचालित हो रही हैं, उन सबको संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, यह अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आप सबका सहयोग इस मामले में विकसित है, आप सबसे भी अपील है, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम प्रेरित करें, टेस्ट करवाने से न भागें, और वैक्सीन उनकी पारी आने पर वे वैक्सीन जरूर लें, यह उन्हें सुरक्षा कवच, उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धन्यवाद।